मॉर्निंग आप सभी लोगों को, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे, लास्ट संडे को मेरा डिस्चार्ज हॉस्पिटल से हो गया था, मैं घर आ गई थी, और आज है नेक्स्ट संडे। तो आज घर में छोटा सा चौक का प्रोग्राम है, तो बस उस प्रोग्राम में मुझे मतलब जैसे रूम से बाहर वगैरह निकालने की रस्म होगी, फिर मैं बाकी के रूम्स वगैरह में भी जा सकती हूँ। अभी मैं एक ही रूम में थी, और इसमें क्या होता है ना, मायके से थोड़ा बहुत सामान आता है, तो बस उसी के लिए ना साड़ी के आने का वेट कर रही हूँ मैं। मतलब जो साड़ी वहाँ से आएगी वही मैं पहनूंगी, और छुटकू भी वही कपड़े पहनेगा। तो यहाँ पर मैं चोटी वगैरह करके बस रेडी हो रही हूँ, ताकि जैसे ही वो लोग आते हैं तो मैं फटाफट से चेंज करके और बाकी की रस्मों की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मिरर नहीं था मेरे पास, तो कैमरे में देख कर ही मांग भर ली है मैंने, और कैमरे में देख कर ही ना यहाँ पर लिपस्टिक भी लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं करना है, हल्का फुल्का सा ही बस तैयार होना है मुझे, क्योंकि इस रूम में मेरा बाकी का सामान भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास अब। तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, कभी भी चुटकू जाग जाएगा, ओवा ओवा करने लगेगा, तो उसको भी देखना पड़ता है ना। सो चोटी वगैरह करके मैं रेडी हो गई थी, तो दीदी ने बोला कि महावर भी लगा लो, तो मैंने कहा लाओ जब तक ये और लगा लेती हूँ मैं, फिर मुझे मतलब जो भी भैया भाभी आएंगे सामान लेकर वो सब मुझे पहनना है, और चुटकू को भी पहनाना है, उसके बाद रस्म होगी। सो बस महावर लगा करके कंप्लीट हो गया है मेरा, और वान्या ना सो गई है, 4 बजे सो गई थी शाम को। आजकल उसका रूटीन सब गड़बड़ाया हुआ है, कभी सोना कभी भी जागना चलता है, ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैं उस पर, इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर ये महाशय भी सो रहे हैं, जो कि आधे से ज़्यादा टाइम तक बस सोते ही रहते हैं, बस और फीड करते हैं और सोते हैं। अभी ना मायके से भैया भाभी आ गए हैं, और ये कंगन मैंने पहन लिए हैं, साड़ी जो भी आई है ना उसके मैचिंग के, और बाकी ना पायल बिछुए साड़ी ये सब मैं पहन रही हूँ, रेडी हो रही हूँ बस। उसके बाद जो रस्म वगैरह है ना वो स्टार्ट करना है। ये है ब्लाउज़ साड़ी का, और ये है साड़ी, पहनती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको पूरा लुक। और यहाँ बेबी को भी तैयार कर दिया है, ये देखिए मम्मी के यहाँ से जो सोने के मोतियों में ये काले मोती के साथ पवा करके ये आए हैं हाथों के, तो ये भी पहना दिए हैं, कपड़े भी एकदम बढ़िया बढ़िया, और ये भी सूरज चंदा और हाय वगैरह जो भी होता है ना वो सभी पहना दिया है, तो ये भी एकदम बॉस बन के रेडी हो गए हैं। ये तकिया भी मम्मी के यहाँ से ही आया है, तो बस अब मैं भी तैयार होती। बस 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 बेटा, रुको सामने से। पीछे फेंकना है, एक पीछे टीका उसके हल्के ही रखना। बेटू देना ले लो, मेरे पर्स तुमने देख रखा है, सब देखा है, ले लो कर लो। बेबी मैं उसके अंदर
मालू के लिए इतने सारे खिलौने। हाँ आपके लिए ही है सारे, ये सब मल्लू के हैं। सो अभी सारा प्रोग्राम वगैरह सब कंप्लीट हो गया है और इनके कपड़े चेंज कर दिए, इनको वापस से रेगुलर कपड़ों में कर दिया है हमने, ताकि ये थोड़ा आराम कर सके, रिलैक्स कर सके। मैंने अभी चेंज नहीं किया है, थोड़ी देर से करती हूँ, आपको दिखाऊंगी साड़ी भी, ब्लाउज भी, कंगन भी। और ये हमारे बच्चे बच्चे छोटी छोटी है ना, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। छोटी बुआ चली गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है? अच्छा क्या लग रहा है? गंदा लगना चाहिए, गंदा लगना चाहिए। अभी अभी और अभी पापा जी के साथ। हेलो गाइस, मेरे को पहले से ही पता था ये अभी इसी टाइम पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अभी मेरी छोटी वाली ननद है जो वो चली गई है। अभी वीडियो बना रही है, मेरे को पता था। सो हमारे भाई साहब जी सो चुके हैं। सो ये रही वो साड़ी, इसमें कुछ इस तरीके से वर्क है और ये इसका ब्लाउज काफ़ी अच्छा है और स्टिच्ड आया है, सिला हुआ पूरा। सो बस ये वो ओवरऑल लुक साड़ी का। और ये कंगन है साथ में, बहुत ही प्यारे से। सो ये ओवरऑल लुक है मेरा। इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है ना, वो स्टिच्ड आया है, सिला हुआ, एकदम बढ़िया बढ़िया सा। और साड़ी भी अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। अच्छी लग रही है साड़ी मुझे काफ़ी, बट अब मैं करने वाली हूँ चेंज, क्योंकि ना हैवी हैवी हो रहा है, बहुत थक गई हूँ इन कपड़ों में। पायल वगैरह दिखाती हूँ मैं। और ये है पायलें जो मम्मी के यहाँ से आई थी, एकदम हल्की फुल्की सी, पतली पतली सी, जैसी मुझे पसंद है। भारी भरकम चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बिछिए भी उसी तरह के हैं, हल्के फुल्के से, जैसे कि मुझे पसंद है।